नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव, जानते हैं राशि के अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो, और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और आज के महा एपिसोड में पंडित जी आपको बताएंगे साल 2013 का राशिफल। तो फिर देर किस बात की, आइए आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला नया साल, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अपना वार्षिक राशिफल। और कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में बने रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस कार्यक्रम में आपको वो तमाम उपाय बताएंगे ताकि आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राशियों की, कैसा होगा आपका आने वाला साल। सर आजमाएं तो निश्चित ही आपके लिए शुभफलदायी होगा। बिल्कुल आचार्य जी, और भाग्य साथ दे उसके लिए उपाय क्या हो। जी बिल्कुल, नौकरी और व्यवसाय में लाभ के लिए श्री विष्णु व माँ लक्ष्मी की नियमित पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त कनक धारा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। सुख और समृद्धि के लिए बंदरों के लिए आपको चने बांटने चाहिए शुक्रवार के दिन, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम के लिए बरगद के पेड़ की जड़ में शुक्रवार के दिन आपको थोड़ा सा मीठा दूध डालना चाहिए, वहां अर्पित करना चाहिए। बहते जल में नारियल बहाएं तथा झूठे वादे घमंड व गाली देने से अपशब्दों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। नियमित दिनचर्या में जब भी आप पूजा करें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की, तो मस्तक पर पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। अब मैं आपको बताता हूं आपकी राशि के अनुसार मंत्र कौन सा आपको लाभ देगा। ओम द्रांग द्रिंग दोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का नियमित दिनचर्या में 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2013। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए 2013 के आरंभ के दौरान धनार्जन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति जो है आपके लिए कमजोर बनी रहने वाली है। जो लोग स्वयं के व्यापार में कार्यरत हैं, वो अपने कार्य में तो प्रगति कर सकते हैं, लेकिन धन संग्रह करने में आपको कुछ कठिनाई आएगी। चिंता न करें, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, समय जल्द ही आपके पक्ष में होगा। वर्ष के मध्य में आपको करियर में सफलता के योग बनेंगे, यानी अभी शुरुआत में नहीं, जून जुलाई के आसपास, मई जून के आसपास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी। आपने अपने फैसलों को लेकर के एक जोश है, आप दृढ़ निश्चय वाले हैं, जिस कारण आप अपने करियर में बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए उचित फैसले आपको धन लाभ करा सकते हैं। वैसे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन उदर कष्ट यानी पेट से संबंधित कोई समस्या आपको समय समय पर परेशान करती रहेगी। इस वर्ष आप अपने सच्चे जीवन साथी को प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होगा, और जो लोग अभी वैवाहिक नहीं है उनके लिए इस वर्ष विवाह की संभावना बनती है। आपके शिष्टाचार से प्रसन्न होकर के लोग आपसे प्रभावित रह सकते हैं। सामाजिक यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संयोग लेकर के आ रहा है ये नया साल 2013। आचार्य जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर ऑप्शन क्या रहेगा। जी जी अवश्य मैं बताता हूँ, आपकी राशि के लिए भी जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। आप पुलिस या प्रशासनिक विभाग में यदि आप प्रयास करते हैं, रक्षा विभाग में आपको एक बड़ी कोई आपको एक जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी बड़ी संस्था में उच्च प्रशासनिक अधिकारी या अनुशासन अधिकारी हो सकते हैं। इस पद पर अगर आप कार्य करें तो आपके हित में होगा। रेलवे का क्षेत्र, दूर संचार से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इसमें आप अगर अपना करियर तलाश सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ सकता है। आप बीमाकर्ता हो सकते हैं, बीमा एजेंट हो सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपका भाग्य जो है वो बहुत अच्छा, आपको सफलता दिलाने के लिए इस साल आप प्रयास करें तो निश्चित सफलता मिलेगी। मशीनरी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र भी आपको लाभ दे सकता है। आचार्य जी, इस राशि के जातकों के लिए उपाय क्या होना चाहिए। जी अवश्य मैं बताता हूँ, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को करना ये चाहिए कि मंगलवार के दिन किसी एक काले कपड़े में 12 मेवे वाले बादाम ले लें और अपने घर में उसमें उस बादाम को रख करके काले कपड़े में बांध दीजिए, और किसी लोहे के बर्तन में भर करके किसी ऐसे स्थान में रखें अपने घर में जहां बहुत अंधेरा रहता हो, जहां रोशनी ना हो, तो आपके अंदर की जो नकारात्मकता है, आपके घर की जो नकारात्मकता है वो दूर होगी, तब आपको सफलता प्राप्त।
होगी। बाएं हाथ की उंगली में पहली उंगली में आपको सोने की एक अंगूठी धारण कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और महादेव शिव भगवान शिव की आराधना करेंगे तो हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित दिनचर्या में करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी राशि का मंत्र कौन सा, यानी मंगल मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको नियमित दिनचर्या में 108 बार करना चाहिए तो पूरे वर्ष पर्यंत आपको सफलता मिलेगी, किसी भी बाधा से आप दूर रहेंगे। और समाचार प्लस की पूरी टीम की ओर से आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ नमस्कार।